आसपास की सभी बिल्डिंगों की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर रेलवे सालाना 752 किलोवाट सौर ऊर्जा पैदा कर रहा है। इसके सहित उज्जैन, चित्तौड़गढ़, महू, इंदौर सहित मंडल के 34 स्थानों पर लगे 500 से 750 किलोवाट के प्लांट्स सालाना 2.7 किलोवाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे को सालाना 1.22 करोड़ की बचत होने लगी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सालाना 3066 टन घट गया है। बीते साल तक रेलवे मंडल के 110 रेलवे स्टेशनों को रोशन करने के लिए बिजली कंपनियों से सालाना लगभग 1 करोड़ यूनिट बिजली खरीद रहा है। इसके बदले हर साल 3 करोड़ के बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। सोलर प्लांट से रेलवे को 37.18 लाख यूनिट मिलने लगी है। इससे बिल की राशि 6.78 करोड़ रह गई है। सोलर एनर्जी पावर लगाया गया है, क्या फायदा है सर, क्या बचत हो रही है रेलवे को? देखिए, सोलर एनर्जी जो सिस्टम है वो आज की डेट में जो ऊर्जा जो बिजली को बचाने का बहुत बड़ा साधन है, उस ये भारतीय रेलवे पर डिसाइड किया गया है कि जहाँ भी स्टेशन है वहाँ पे सोलर प्लांट लगाए जाएँ और उससे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको बचाया जाए और अपना खुद की इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाए और ज़्यादा है तो उसको स्टेट को दिया जाए। तो रतलाम मंडल पर हम लोग बात करें तो चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, रतलाम है, उज्जैन है, इंदौर है, महू है, वहाँ पर हमने सोलर प्लांट लगा रखे हैं और उसको और आगे बढ़ाने का प्लान चल रहा है कि उसको और आगे बढ़ाएं जिससे कि हमें जो भी विद्युत है वो हम खुद की पैदा करें और उसका खपत हम लोग खुद करें।